सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पीछे के पार्ट से पूछना है कुछ? न एते न सुरभि न दुर्गंधि विजानाति अपहत पापमा ही एष। इसका नौवे का पूरा बता दीजिए थोड़ा अर्थ एक बार शुरू से बोलो। न एव एते न सुरभि सुरभि न दुर्गंधि। हाँ, इस पूरे मंत्र को एक बार फिर से मतलब। वो तो उसके बाकी सारों के जैसा ही है। इसमें अंतिम पंक्ति थोड़ी सी, जो मुख्य प्राण है नाक तक की तो गंध आती है ना हमारे को। जी जी। नाक को यदि बंद कर दें तो कोई गंध युक्त चीज जैसे खाएं तो कंठ को पता नहीं लगेगा इसकी गंध कैसी है। जी। तो क्यों नहीं पता चलता है इसको सुरभि या दुर्गंधी का? क्योंकि ये पाप से युक्त नहीं हुआ। नासिका वाला जो प्राण था उसको तो असुरों ने पाप युक्त कर दिया, उसमें पाप मिक्स कर दिया। और उससे आगे का जो मुख्य प्राण है कंठ से लेकर के हृदय तक वाला जो है वो क्या है? निष्पाप है। तो निष्पाप है तो वो सम रहता है, उसको सुगंध दुर्गंध इसका कुछ पता नहीं चलता है। ये अगली पंक्ति और थोड़ी एतम उ ए शांत तो युक्त अथह ये इव अयम मुख्य प्राण तम उद्गीतम उपासन चक्रिरे तम भ असुरा रित्व। ये नहीं, इससे अगला ना नौ नंबर मंत्र इसी सुरभि वाले में अंतिम पंक्ति है ना, एतम उ ए शांत तो। हाँ, अभी मैंने बोला उससे। हाँ, एक आगे। अच्छा, आगे तो अश्मानम वाला है। न एव एतेन, हाँ, न एव एतेन सुरभि न दुर्गंधि विजानाति अपहत पापमा ही एष तेन यद अश्नाति यद पिबति तेन इतरान प्राणौ अवति। इसलिए जो कुछ भी खाता पीता इससे दूसरे प्राणों की रक्षा होती है। एतम उ एव अंततो अवित्वा, और इस प्राण को ही अंतिम काल में मरने के समय अवित्वा प्राप्त ना करके, जब ये आत्मा इस मुख्य प्राण को अंतिम समय प्राप्त नहीं कर पाता है तब उत्क्रांति, तो फिर ये आत्मा चल देता है। आत्मा इस शरीर में तब तक ही रहता है जब तक इसको प्राण मिलता है, ये वाला प्राण कंठ से लेके नाभि तक, मुख्य प्राण ये ही है। बाकी सारे उप प्राण हैं, व्यान आदि जो है ना, और ये ऊपर वाले उदान आदि जो हैं वो सब इसके ही पार्ट हैं। मुख्य प्राण ये ही है। तो अंत काल में जब इसको प्राप्त नहीं करता है, एक बार प्रश्वास बाहर गया फिर आया ही नहीं वापस, उसने प्राप्त नहीं किया प्राण को, तो फिर उत्क्रामति, फिर ये आत्मा उठ जाता है उस शरीर से, चल देता है वहां से। और ये व्यक्ति व्यददाति एव अंततः इति, मुख खोल देता है, फिर खुला ही रह जाता है। और आ गया समझ में? तो इधर बताएंगे, बहने बताएंगी क्या प्रसंग चल रहा था। कौन बताएगा आप में? हाँ बताओ। ओम दीदी, यह देवर असुर के संग्राम की बात कर रहे हैं। देवर असुर जो है वो प्रजापति के हैं, दो पुत्र हैं। तो इन दोनों में संग्राम चल रहा था, तो देवों ने पहले प्राण को ही उद्गीत मानकर उसकी उपासना करने लगे, तो असुरों ने आके उसमें पाप के छींटे कर दिए, वो पाप से भीग गया कर दिया। तो प्राण को पाप युक्त कर दिया, इसलिए हम जो मनुष्य है वो दो प्रकार के गंध को सूंघते, एक सुरभि एक असुरभि। फिर देवताओं ने बाघ को, वाणी को उद्गीत मानकर सबको बता दो,
ऐसे ही वाक को पाप युक्त कर दिया, चक्षु को उन्होंने उद्गीत मान के उपासना की, उसको भी पाप युक्त कर दिया। जब लिखोगे तब भी ऐसे ही लिखना है, कोई चीज आपकी रिपीट भी नहीं होनी चाहिए बार बार, उसको पुनरुक्ति दोष बोलते, और कोई छूटनी भी नहीं चाहिए। जैसे इसी प्रसंग को आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे, देव और असुर प्रजापति की ही दोनों संतानें हैं, उनका आपस में जब युद्ध हुआ तो देवों ने उद्गीत की शरण ली, उन्होंने नासिका में स्थित प्राण को ही उद्गीत मान करके उसकी उपासना की, असुरों ने उसको पाप युक्त कर दिया, इसलिए वो दोनों प्रकार की गंध को सूंघता है, सुगंध भी दुर्गंध भी। इसी प्रकार देवों ने चक्षु में स्थित प्राण को ही उद्गीत माना, श्रोत्र में स्थित उद्गीत को ही प्राण माना, वाणी में स्थित प्राण को ही उद्गीत माना, ऐसे सारा लिख करके देवों ने इन सब प्राणों को पाप युक्त कर दिया, इसलिए ये दोनों प्रकार के विषयों का सेवन करते हैं, अच्छा व बुरा, इसलिए ये प्राण अच्छा और बुरा दोनों प्रकार के विषयों का सेवन करते हैं, ऐसे बताना है। असुरों ने फिर जो मुख्य प्राण है, तत्पश्चात देवों ने मुख्य प्राण को उद्गीत मानकर उसकी उपासना करने लगे, तो असुर जो है मुख्य प्राण से टकरा कर खुद ही ध्वंस हो गए। वो जब उसके पास आए उसको पाप युक्त करने के लिए, तो वो खुद ही उससे कैसे चकनाचूर हो गए, जैसे पत्थर पर जैसे हथौड़ा मारने से जो पत्थर चकनाचूर हो जाता है, उसी तरह असुर भी नाश हो गए, असुरों का नाश हो गया। फिर आगे क्या बताया था, सार तो बताओ कहानी का, मुख्य तो वही है। इसी प्रकार वो व्यक्ति नष्ट हो जाता है जो इस उद्गीत के उपासक को पाप युक्त करने की कोशिश करता है, ये था ना, क्योंकि उसका रक्षक कौन है, उद्गीत। तो यही था इसमें कि जो इसको पाप युक्त करने की कोशिश करता है, एवं विधि माने उद्गीत को जानने वाला, उसकी उपासना करने वाला, तो वो भी ऐसे ही नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। फिर इसकी विशेषता बताई कि ये जो प्राण है ये ना सुगंध को जानता है ना दुर्गंध को, भेद नहीं करता है, और जो कुछ भी ये खाता है या पीता है उसको अपने पास नहीं रखता है। तो जो निष्पाप आत्माएं हैं उनको जो भी ऐश्वर्य प्राप्त होता है उसको वो अपने पास नहीं रखते हैं, अपने लिए प्रयुक्त नहीं करते हैं, बल्कि औरों की रक्षा में लगा देते हैं। जैसे मुख्य प्राण खाता पीता तो यही है, मुख से जाता है ना सब, लेकिन ये अपने पास नहीं रखता, बल्कि सारे प्राणों की, पूरे शरीर में स्थित जो प्राण है उनकी रक्षा में उनको दान कर देता है। हाँ जी, नहीं कर पाते तो उसका मुख खुला हो जाता है, तो हमेशा तो ये देखा नहीं जाता है ना कि हर जो मृत व्यक्ति का मुख खुला होता है, नहीं हमेशा यही होता है, एक बार प्राण गया तो वापस नहीं आया, मुख खुले या ना खुले, मृत्यु नाम ही उसका है कि एक बार, अभी तो आपका चल रहा है श्वास इसलिए आपको अनुभव नहीं है, थोड़ी सी देर रोक के देखो कैसी बेचैनी होगी, फिर प्रश्वास बाहर तो निकल गया वापस नहीं आया, फिर इसलिए मरने में कितनी देर लगती है, 1 सेकंड से भी कम समय, जितनी देर में श्वास बाहर गया बस, वो फिर आया ही नहीं वापस, वो ही मृत्यु है, अभी तो आ रहा है तुरंत, ऑटोमेटिक आ रहा है ना। तो कह रहे हैं इसी प्राण को, ये जो मुख्य प्राण है इसी को अंगिरा ऋषि ने उद्गीत मान करके उपासना की, इसलिए इस प्राण का नाम भी क्या बन गया, अंगिरस। इसी प्रकार इस मुख्य प्राण को ही बृहस्पति नाम के ऋषि ने उद्गीत समझ करके इसकी उपासना की, तो इस प्राण को बृहस्पति भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि आदि काल से ही ऋषि लोग प्राण की उपासना करते आए हैं। अब तीसरा बता रहे हैं, तो मंत्र बोलिए, तेन तमह अयास्य उद्गीतम उपासन चक्रे एतम ऊ एव अवास्यम मन्यन्ते
आस्यादियत आयते, तेन इस कारण से तम ह अयास्य उद्गीतम उपासन चक्रे, इस मुख्य प्राण को ही अयास्य नाम के ऋषि ने भी उद्गीत समझ करके इसकी उपासना की। एतम उ अयम अयास्यम मन्यन्ते, इसलिए उस ऋषि ने भी इनकी उपासना की प्राण की, तो इस प्राण को अयास्य भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? आस्याद यद अयते, क्योंकि ये मुख से ही गति करता है, अयगत हुए ना, आता है जाता है, तो इसको अयास्य भी कहते हैं। आगे तेन तमह बको दालभ्यो विदान चकार सह नेमिसियाणाम उद्गाता बभूव, सह स्मैभ्यः कामान आगयति। तेन तम ह, इस कारण से इस मुख्य प्राण को ही उद्गीत समझ करके दालभ्यो बक, दल्भ का पुत्र दालभ बक, तो दल्भ ऋषि के पुत्र दालभ बक ने, पुत्र का नाम है बक और दल्भ का पुत्र था इसलिए दालभ बक हो गया, विदान चकार इसकी पूजा की, अर्चना की, उपासना की, तो सह इसलिए वो बक नाम के जो ऋषि थे वो नैमिषियाणाम उद्गाता बभूव, नैमिषारण्य में रहने वाले जो ऋषि थे और वहां पर जो वो यज्ञ याग आदि करते थे उनका वो क्या बन गया? उद्गाता बन गया। उद्गाता कौन होता है? सामवेद के मंत्रों का गान करने वाला, ऊंचे स्वर से, उसको उद्गाता कहते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों की ऋचाओं का गान करने वाले को क्या कहते हैं? होता, उसको होता कहते हैं। और यजुर्वेद के मंत्रों का गान करने वाले को, उसको अध्वर्यु कहते हैं। और चौथा ब्रह्मा होता है। चार मुख्य ऋत्विज होते हैं, फिर उन चार के चार चार और होते हैं सहयोगी, वो उन्होंने इसकी उपासना की, इस प्राण की, तो इसलिए वो क्या हो गए? नैमिषियाणाम उद्गाता बभूव, नैमिषारण्य में निवास करने वाले ऋषियों का वो उद्गाता बना। सह एभ्यः कामानाम आगयति स्मः, तो ये जो ऋषि थे इनके लिए वो कामानाम आगयति स्मः, उनकी कामनाओं की पूर्ति के लिए वो गान करता था, सामवेद की ऋचाओं का, सामवेद के मंत्रों का गान करता था। उद्गाता का काम क्या होता है? यजमान जिस कामना को लेकर के यज्ञ कर रहा है उस कामना से संबंधित ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना किसी गान के माध्यम से ऊंचे स्वर से करे, ये उसका काम होता है। तो ये क्या करता था? इन ऋषियों की कामना के लिए कि भगवान जी इनको बुद्धि दो, जो भी उनकी कामना थी, उन ऋषियों की मोक्ष जो भी चाहते थे वो, उसके लिए वो इनके लिए ऊंचे स्वर में गाते थे। सह एभ्यः कामानाम आगयति स्मः, आगे आगाता ह वही कामानाम भवति, ये एतद एवं विद्वान अक्षरम उद्गीतम उपास्ते इति अध्यात्मम। तो कह रहे हैं आगाता ह वही कामानाम भवति, वो व्यक्ति, वो साधक कामनाओं का आगाता बन जाता है, पूर्ण करवाने वाला बन जाता है। यह एतम एवं विद्वान, जो इस उद्गीत को इस रूप में जानते हुए स्तुति करता है, किस रूप में? कि सब कामनाओं को पूरा करने वाला तो केवल एक उद्गीत ही है, ईश्वर ही है ना जो सब कामनाओं को पूरा कर सकता है। तो जो इस रहस्य को जो साधक जानता है कि ईश्वर ही सब कामनाओं को पूरा कर सकता है, तो किसकी शरण में जाएगा? ईश्वर की ही शरण में जाएगा। और ईश्वर का प्रतिनिधि उसने किसको माना? मुख्य प्राण को, तो वो प्राणायाम की शरण में जाएगा। तो ये कह रहे हैं एवं विद्वान, ऐसा जानता हुआ अक्षरम उद्गीतम उपास्ते, वो इस अक्षर उद्गीत की उपासना करता है। कौन? जो ये जानता है कि यही सब की कामनाओं को पूरा कर सकता है।
तो इस प्रकार से जो ऐसा मान करके जो उसकी शरण में जाता है और उद्गीत का ऊंचे स्वर से गान करता है वो सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला बन जाता है। इति अध्यात्मम। ये जो प्रसंग चला सारा, ये क्या चला, इसको क्या कहेंगे? अध्यात्मम। अध्यात्म क्यों कहेंगे? आत्मा को अधिकृत करके, माने अंदर के आत्मा और प्राण को अधिकृत करके ये प्रसंग कहा गया है, इसलिए इसको कहेंगे अध्यात्मम। जहां जहां भी आत्मा को अधिकृत करके कोई वर्णन किया जाता है उसको अध्यात्म कहते हैं। अब दूसरे इसमें बताएंगे ये अथ अधिदैवतम। अधिदैवत माने जो दैवी शक्तियां काम कर रही हैं ब्रह्मांड में। तो शुरू में बताया था ना इन्होंने कि हम उद्गीत को दो रूप में वर्णन करेंगे, पिंड में प्राण और ब्रह्मांड में सूर्य, बताया था शुरू में। क्योंकि शरीर किससे चलता है? मुख्य आश्रय इसका क्या है? प्राण। और सारा ब्रह्मांड किससे आश्रय से चलता है? तो ब्रह्मांड का रस बताया था सूर्य को और शरीर का रस बताया था प्राण को। तो ये प्राण को लेकर के जो इतना वर्णन हुआ 14 मंत्रों के माध्यम से, इसलिए इस सारे प्रकरण को कहेंगे अध्यात्म। और जब बाहर के शक्तियों को लेकर के उसी शक्ति का वर्णन किया जाएगा, उद्गीत का, ओंकार का, ईश्वर का, उस सारे प्रसंग को कहेंगे अधिदैवतम। तो अब इसका वर्णन कर रहे हैं। तो जो साधक होते हैं वो दोनों प्रकार से साधना करते हैं। कुछ साधक हैं जो बाहर से सीख करके अंदर जाते हैं, कुछ हैं जो अंदर से अनुभव करके फिर उसी को बाहर देखते हैं। तो दोनों हैं रास्ते इसमें, अंदर से बाहर। और इसमें माध्यम कौन बनता है? माध्यम कौन बनता है? बीच का रास्ता कौन बनता है? प्राण। उसमें भी बताया था ना योग दर्शन में कि ये सेतु का काम करता है। आपने अंदर अनुभव किया फिर आप उसी को ही बाहर भी देख रहे हैं, तो ये भी प्राणायाम के माध्यम से होता है ये ज्ञान भी। और आपने बाहर देखा और फिर आप अंदर भी जा रहे हैं तो भी आपको प्राणायाम के माध्यम से जाना पड़ेगा। अंदर भी आप उसको जब अनुभव करेंगे तो पहले यम नियम का पालन करेंगे, फिर आसन करेंगे, फिर प्राणायाम करेंगे, फिर प्रत्याहार करेंगे, फिर धारणा ध्यान और समाधि में पता लगेगा कि जो ब्रह्मांड में था वो ही अंदर भी है। तो इसमें ही प्रसंग आएगा, छांदोग्य उपनिषद में है या अगले में है, उनका सत्यकाम जाबाल का जो प्रसंग है इसी में आएगा शायद। तो उनके गुरुजी ने उनको कहा कि तुम पहले गाय चरा के लाओ, उसके बाद कुछ जानेंगे तो बता देंगे, और नहीं तो छुट्टी, कोई गारंटी भी नहीं है। और गाय भी उनको कुछ गिनी चुनी गायें दे दी और बताया कि जब ये 1000 हो जाएं, 4-6 गायें दे दी और बोले 1000 हो जाएं तब वापस आ जाना, तब तक चराते रहो जंगल में। तो चराते रहे, तो उनको गाय चराते चराते ही जंगल में सूर्य को देख करके, हवाओं को देख के, आकाश को देख के, वहीं पर ही उनको मतलब ज्ञान हो गया। और उधर गायें भी 1000 हो गई, तब वो वापस आए। तो उनके गुरुजी ने कहा कि अब मैं आपको क्या सिखाऊं, आपका तो चेहरा वैसे ही ब्रह्म तेज से चमक रहा है, आपको तो ब्रह्म ज्ञान हो चुका है, तो बताओ आपको ये ज्ञान किसने दिया? तो बोले गुरुजी मुझे कौन ज्ञान देता, मेरे को तो उसने सूरज ने ज्ञान दिया, वहां पे दिशाओं ने मुझे ज्ञान दिया, हवाओं ने मुझे ज्ञान दिया। तो व्यक्ति जिसके सानिध्य में रहता है फिर उसके गुण कर्म स्वभाव आ जाते हैं, तो वो प्रकृति के सानिध्य में रहे और व्यायाम प्राणायाम अपना करते रहे, ध्यान करते रहे, उपासना करते रहे, तो इन दैवी शक्तियों ने ही उसको सारा ज्ञान करवा दिया बाहर की शक्तियों ने। और फिर गुरुजी ने उसको बताया कि जो तूने बाहर देखा वो ही तेरे अंदर भी है, तो फिर उसको अंदर का ज्ञान भी हो गया। ऐसे ही कुछ ऋषियों ने समाधि में अंदर पहले अनुभूति की और फिर उन्होंने देखा कि ये तो सारे ब्रह्मांड में भी वही है, तो वो बोले यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो ये ऐसे ही है। इन्होंने पहले शरीर में, ये जो ऋषि हैं, इन्होंने प्राण को आश्रय रस के रूप में साक्षात्कार किया कि इस जीवन का, इस शरीर का आश्रय प्राण है, प्राण ही उद्गीत है, और उसको उद्गीत समझ करके जो उसकी उपासना करता है तो उसकी सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।
अब इसको बाहर घटाएंगे देखो। अथ अधिदैवतम ये एव असौ तपति तम उद्गीतम उपासीत उद्यन वा एष प्रजाभ्य उद्गायति उद्यस्तम भयम् अपहन्ति अपहन्ता है वै भयस्य तमसो भवति ये एवं वेद। अब अधिदैवत वर्णन करते हैं, देवता संबंधी ब्रह्मांड संबंधी उद्गीत का अब हम वर्णन करते हैं। तो कह रहे हैं ये एव असौ तपति, ये जो सूर्य में तप रहा है एक चेतन, तम उद्गीत हम उपासीत, उसको उद्गीत के रूप में मान करके उपासना करें। इसलिए सुबह सुबह उगते हुए सूर्य की उपासना करने का विधान है ना हमारे यहाँ, तो करे उसको ही ब्रह्म मान करके, और उसका एक नाम ब्रह्म भी है। सूर्य को जब प्रणाम करते हैं ना सुबह सुबह, ओम सूर्याय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, एक ब्रह्मणे है उसमें, पूष्णे नमः, अर्काय नमः, और भास्कराय नमः, दिनकराय नमः, ऐसे अनेक नाम है, उनमें एक नाम है ब्रह्मणे नमः। साक्षात ब्रह्म का ही वो प्रतिनिधि है, क्योंकि इस सारे हमारे वाले जो भूमंडल है इसका तो वो ही आश्रय है, उसके बिना ये पृथ्वी तो जिंदा रह नहीं सकती है। तो कहा ये एव असौ तपति, ये जो उसमें तप रहा है, तम उद्गीत हम उपासीत, उसी को उद्गीत समझ करके उपासना करें। उद्यन व एष प्रजाभ्य उद्गायति, उद्यन उदय होता हुआ, ये सूर्य उदय होता हुआ, उद्यन वा एष ये सूर्य उदय होता हुआ प्रजाभ्यः उद्गायति, प्रजाओं के कल्याण के लिए उद्गायति गाता है, ऊंचे स्वर से गाता है। जो उद्गाता होता है, जो गान करता है, तो वो अपनी प्रजाओं के कल्याण के लिए गाता है ना। तो कह रहे हैं कि ये गाता हुआ ही उदय होता है कि इन सब प्रजाओं का कल्याण हो। उद्यन वा एष प्रजाभ्य उद्गायति, इसलिए उद्यस्तमो भयम अपहन्ति, इसलिए उदय होता होता ही ये तमस और भय का अपहंता बन जाता है, मार देता है, नष्ट कर देता है अंधकार को, और भय को भी नष्ट कर देता है। भय हमेशा कहाँ पैदा होता है? अंधकार में ही भय पैदा होता है। जब दिख नहीं रहा है तो लगता है कि रस्सी ही सांप है, और कोई ठूंठ है वो कैसा लगता है? भूत जैसे लगता है। तो हमेशा भय कहाँ होता है? अंधकार में, क्योंकि अंधकार में चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अब जैसे दिन निकला हुआ है तो आपको डर नहीं लगेगा, आप कहीं भी जंगल में से अकेले भी गुजर जाएंगे, और जब रात का घनघोर अंधेरा होगा तो जंगल में डर लगेगा, कोई चोर आ सकता है, कोई डाकू मिल सकता है, क्योंकि ठीक ठीक दिख नहीं रहा है। इसलिए जीवन में भी किस साधक के मन में भय रहता है? भय उसके मन में रहेगा जिसके मन में अंधकार है, अभी ज्ञान का उजाला नहीं हुआ है। जिस योगी को ज्ञान का उजाला हो गया उसको भय नहीं होगा। हेते यस्य कुटुंबिनो वद सखे कस्माद् भयम् योगिनः, योगी को किसका भय होगा? उसने तो सब ठीक ठीक जान लिया, तो वो योगी कभी भयभीत नहीं होता है, क्योंकि वो जो भय देने वाली जो शक्तियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा किसको कष्ट दे सकते हैं? शरीर को। और योगी ने शरीर से अपने आप को अलग कर लिया, उसने जान लिया अपने स्वरूप को, तो अब उसको मतलब कवच को कितनी पिटाई करते रहो, कवच के अंदर रहने वाला तो अपने आप को सुरक्षित मानता है, तो वो इन चीजों से भय मानता ही नहीं है। कि कोई व्यक्ति चोट पहुंचाएगा तो किसको पहुंचाएगा? शरीर को, इंद्रियों को, मन को। अपमान करेगा तो किसका करेगा? शरीर का ही करेगा ना, आत्मा का कौन अपमान कर सकता है? तो इसलिए सारे भय कहाँ होते हैं? अंधकार में। इसलिए हमारे यहाँ बोला जाता है ना, ज्ञान को सबसे ऊंची चीज, रिते ज्ञानान् न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है।
तो उसका ये ही भाव है, जब ज्ञान हो जाता है तो चीजें यथा योग्य दिखने लगती हैं, यथा स्वरूप दिखने लगती हैं। उजाला हो गया तो पता लगता है कि कहाँ दरवाजा है, कहाँ कुर्सी है, तो टक्कर लगेगी थोड़ी, तो भय भी नहीं है। अंधेरे में डर लगता है कि कहीं टकरा ना जाए किसी चीज के साथ। तो ये सूर्य क्या करता है, उदय होता होता ही भय और अंधकार दोनों का नाश करता है। तो ये ईश्वर की शक्ति है। आप कल्पना करो, ये तो रोज घट रहा है, जब पैदा हुए तब से लेके और पैदा नहीं हुए थे तब भी रोज ये घटना घट रही है। तो आप जरा कल्पना करो कि 2-4-5 दिन यदि सूर्य उदय ना हो, पूरा अंधकार ही अंधकार रहे, घनघोर अंधकार, तो कैसा लगेगा? मुझे आनंद आ जाएगा, फिर सारी नींद पूरी हो जाएगी। नींद तो एक दिन में पूरी हो जाएगी, अगले दिन ही परेशान हो जाओगे, हैं? उड़ जाएगी फिर कि ये क्या हो गया, फिर नहीं आने की। तो ये सूर्य उद्यन वा एष प्रजाभ्य उद्गायति उद्यस्तमो भयम अपहन्ति अपहन्ता है वही भयस्य तमसो भवति यह एवं वेद। जो इस सूर्य को उस रूप में जान लेता है, जान लेने का मतलब है यहाँ पर अनुभूतिक सत्य, अनुभव कर लेता है, शब्द रूप में जानना नहीं केवल, वैसा उसको अनुभव हो जाता है, मतलब उससे वो शक्ति प्राप्त कर लेता है जो उसमें आया था ना, ईश्वर प्रणिधानात नहीं, वो स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग, स्वाध्याय से जो इष्ट देव हैं उनकी शक्तियों के साथ संपर्क हो जाता है। संपर्क मतलब लेन देन हो जाता है, जब वो लेना चाहता है तो उनसे सहायता ले लेता है। तो ऐसे ही सूर्य को उद्गीत मानकर जानने वाला, इसका मतलब ये है उससे वो शक्ति प्राप्त करने वाला, उसमें वो शक्ति है। तो सामान्य रूप से तो सभी प्राणी प्राप्त कर ही रहे हैं जीवनी शक्ति, लेकिन साधक क्या करता है, विशेष रूप से संपर्क साध लेता है, और फिर वो कुछ ही समय में, जैसे आप मोबाइल को चार्ज करते हैं तो वो उसको साक्षात ब्रह्म मान करके उससे रिचार्ज हो जाता है थोड़ी ही देर में। बहुत लोग हैं ऐसे, यहाँ भी आए थे एक सूर्य के वो उपासक, तो पता नहीं कितने वर्ष से उन्होंने खाना भी नहीं खाया, यहाँ आए थे संत कुटीर में महाराज जी से मिले, बोले मैं सारी एनर्जी उससे ले लेता हूँ सूर्य से। सुबह सुबह उपासना करते हैं सूर्य के सामने, वो आधा घंटा एक घंटा बस, लेकिन उसका नियम ये है कि वो कच्ची मिट्टी में खड़े होके लेना है, करना है, फर्श पे खड़ा होके नहीं, चप्पल पहन के नहीं। तो उसका अपना एक वो सूर्य विद्या है पूरा उसका भी। तो ये मनुष्य भी जो इस रूप में सूर्य को जानता है, जानता है माने अनुभव कर लेता है, वो भी तमस और भय का अपहंता बन जाता है, नाश करने वाला हो जाता है। ना उसके जीवन में कोई अंधकार रहेगा, और अंधकार नहीं रहेगा तो भय भी नहीं रहेगा, उसके जीवन में भय भी नहीं है। तो ये कितना अच्छा जीवन है, ना कोई अज्ञान है ना कोई भय है। अपहंता है वही भयस्य तमसो भवति ये एवं वेद। आगे समान उ एव अयम चासौ च उष्णो अयम उष्णोसौ स्वर इति इमं आचक्षते। स्वर इति प्रत्यास्वर इति अमुम तस्मात् तस्माद्वा एतम इमम अमुम च उद्गीतम उपासित। तो अब उनकी तुलना कर रहे हैं, समान उ अयम च असौ च। बोले अभी हमने जो अध्यात्म में वर्णन किया था, तो अध्यात्म में उद्गीत का प्रतिनिधि कौन है, प्राण, और ब्रह्मांड में अधिदैवत में उद्गीत का प्रतिनिधि कौन है, सूर्य। तो बोले दोनों बराबर ही हैं, पिंड में प्राण, ब्रह्मांड में सूर्य। समान उ एव अयम च असौ च, अयम माने ये प्राण।